नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से शर्मा जी एजुकेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.5, कैलकुलेट मोलैलिटी मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई यानी पोटेशियम आयोडाइड इफ द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास एक्वस सॉल्यूशन इज के आई इज 1.202 ग्राम पर ml। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हमें दिया हुआ है 20% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, तो 20% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू के आई की वैल्यू आपको दी हुई है 20 ग्राम। ठीक है, 20% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का मतलब क्या हुआ कि के आई जो है वो 20 ग्राम डिजोल्व है, किसके अंदर, 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। ठीक है, 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर के आई कितना है, 20 ग्राम है, सॉरी टोटल जो सोल्यूशन है वो कितना है, 100 ग्राम, उसके अंदर के आई कितना है, 20 ग्राम। तो अगर टोटल सोल्यूशन 100 ग्राम है और के आई उसके अंदर 20 ग्राम है, तो वाटर कितना बचा, 80 ग्राम वाटर बचा। ठीक है, ओके, तो डब्ल्यू बाई डब्ल्यू से हमने इतना इन्फॉर्मेशन निकाल ली। मोल मॉलिकुलर वेट ऑफ के आई निकालेंगे तो पोटेशियम का होता है 39, आयोडीन का होता है 127, इसको एड करोगे सम अप करोगे तो 166 ग्राम पर मोल आ जाएगा। अब मोलैलिटी निकालनी है, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ के आई डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो भी सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट आम पे वाटर है और ये ग्राम में दिया हुआ है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन वेट कितना है, 20 डिवाइडेड बाय 166, मोल मॉलिक्यूलर वेट तो 166 है, तो 20 डिवाइडेड बाय 166 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 1000, 80 क्या है, वाटर है ना, टोटल 100 में से 20 ग्राम कौन था, के आई था, तो रिमेनिंग क्या था, वाटर था, 80 ग्राम वाटर आ गया। इसको सॉल्व करोगे तो 1.51 मोलैलिटी आ जाएगी आपकी। ठीक है, सेकेंड वन देर जो सेकेंड पार्ट है मोलैरिटी पूछा है, तो मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, देखो डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.202 गिवन है ग्राम पर एम, तो वॉल्यूम निकाल सकते हो आप, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा, देखो 100 ग्राम वेट है मास अपॉन डेंसिटी, तो मास अपॉन डेंसिटी करोगे तो आपके पास ml में आपका वॉल्यूम आ जाएगा, 83.19 ml वॉल्यूम आ गया आपका। अब आपको निकालना है मोलैरिटी निकालना बड़ा आसान है, मोल्स ऑफ के आई, मोल्स ऑफ के आई तो यही होंगे 20 डिवाइडेड बाय 166, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये अभी निकाला था 83.19, तो आप इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि ml में, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.45 मोलर। ठीक है, तो आपकी मोलैरिटी आ गई। अब निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको वाटर का भी मोल्स निकालने पड़ेंगे और के आई के भी मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो पोटेशियम आयोडाइड के मोल निकाले तो आए 0.12 मोल, और जब वाटर के मोल निकाले तो 80 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल टू 4.44 मोल। अब जब पोटेशियम आयोडाइड का हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हो जाएगा 0.12 डिवाइडेड बाय 4.44 प्लस 0.12, अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास मोल फ्रैक्शन आएगा 0.0263। अगर यही आपसे पूछा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, तो आप इसको 1-0.026 कर सकते हो, तो जो भी वैल्यू आएगी वो किसके मोल फ्रैक्शन हो जाएंगे, वाटर के मोल फ्रैक्शन हो जाएंगे। साथ ही साथ मोलैरिटी आपने निकाल लिया, मोलैरिटी आपने निकाल लिया था, मोलैरिटी आपको फाइंड आउट करना था, डेंसिटी दे रखी थी, उसके लिए आप एक और फॉर्मूला यूज कर सकते थे, तो 1/m यानी मोलैरिटी इज इक्वल टू डी बाय कैपिटल एम यानी मोलैरिटी माइनस 1000 बाय एम बी। ठीक है, एम बी क्या है, सोल्यूट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज कर सकते थे, आपको डी पता था, आपको एम पता है, एम बी पता है, तो आप इसका यूज कर सकते थे। फिलहाल अगर ये नहीं करना चाहते तो आप इस स्टेप को भी फॉलो कर सकते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, H2S अ टॉक्सिक गैस विद रॉटन एग लाइक स्मेल इज यूज फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस। जब हम लैब में 11th और 12th क्लास में जब लेबोरेटरी में टेस्ट कर रहे होते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, तो H2S गैस का हम यूज करते हैं, ब्लैक कलर की प्रेसिपिटेट भी हमको देता है, ब्लैक कलर की गैस होती है, गंदी सी स्मेल आती है उसके अंदर से। इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर इन स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इज 0.195 मोलर, ठीक है, सॉल्युबिलिटी यानी कंसेंट्रेशन दिया हुआ है मोलर में, कैलकुलेट द हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट यानी KH की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। चलिए, तो आपको गिवन दिया हुआ है कि 0.195 मोल ऑफ H2S गैस डिजोल्व इन, अब ये मोल है, ये कितने में डिजोल्व हो रहा है, 1000 ग्राम ऑफ वाटर में, इतने मोल 1000 ग्राम ऑफ वाटर में डिजोल्व हो रहे हैं। ठीक है,
ओके तो ये आपको तो ये इन्फॉर्मेशन गिवन थी। आप मोल्स ऑफ H2O निकाल सकते हो क्योंकि 1000 ग्राम ऑफ वाटर है, उसका 18 से डिवाइड करोगे तो मोल्स आ जाएंगे आपके पास 55.56 मोल। ठीक, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S निकाल लो। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S कैसे निकालोगे, मोल्स ऑफ H2S जो कि हमें पता है 0.195 है, टोटल मोल्स इन सोल्यूशन, टोटल मोल्स इन सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, H2S के मोल प्लस वाटर के मोल। तो H2S के मोल आपको पता है 19.195 है, वाटर के मोल है 55.56, तो दोनों को ऐड करके आप H2S के मोल्स मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। तो H2S का मोल फ्रैक्शन आएगा 0.0035। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, प्रेशर का मतलब क्या होता है, 0.987 बार, ठीक है, कहीं कहीं पे हम 1 बार भी ले लेते हैं। और अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ प्रेशर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, KHX, ठीक है। तो KH निकालना है तो P अपॉन X हो जाएगा, तो P अपॉन X का मतलब क्या, P आपको दे रखा है 0.987 और X की वैल्यू कितनी है 0.0035, तो इससे जब आप सॉल्व करोगे तो KH की वैल्यू आ जाएगी 282 बार और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, और यही हमारा क्या है, हेनरी कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि अ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन बाय द मिक्सिंग ऑफ 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाय मास, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो ये मिक्सिंग का क्वेश्चन है, अगर आपने मिक्सिंग पढ़ी है तो जब हम सॉल्यूशन की मिक्सिंग करते हैं तो रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन बनता है उसका मोलैरिटी, मोलैलिटी और परसेंटेज, मास परसेंटेज निकालते कैसे, तो ये आप अलग अलग मेथड से भी कर सकते हैं। तो हम एक सिंपल सा मेथड देखेंगे इसको सॉल्व करने का कि टोटल अमाउंट ऑफ सोल्यूट निकाल लेते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे, देखो 30 ग्राम है जिसमें से 25% आपको दे रखा है मिक्सिंग ऑफ 30 ग्राम ऑफ 25% ऑफ सोल्यूशन, तो जो आप मिक्स कर रहे हो उसका 25% आपका क्या सोल्यूट है, तो 300 × 25/100, तो ये जो अमाउंट आएगा वो सोल्यूट का अमाउंट आएगा ए मिक्सचर से, ये आएगा ए मिक्सचर से और ये वाला आएगा बी मिक्सचर से, मतलब बी जो सोल्यूशन है वहां से आएगा। तो ए से तो आपके आपका सोल्यूट मिला कितना, 300 × 25/100 = 75। बी से आपको मिला 400 × 40/100 क्योंकि 40% है, तो वहां से आपको मिला 160। दोनों को आप ऐड करोगे 235 ग्राम आ जाएगा, ये क्या है सोल्यूट है आपका। ठीक है, अब टोटल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, टोटल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, यहां पे देखो कितना ऐड कर रहे हैं 300 ग्राम और यहां पे कितना ऐड कर रहे हैं 400 ग्राम, तो टोटल कितना हो जाएगा 400 + 300 = 700। ठीक है, अब परसेंटेज WYW निकालना है सॉल्यूट का इन रिजल्टिंग सॉल्यूशन, तो सॉल्यूट का अमाउंट कितना है 235 अमाउंट है, 235 है, 235 अमाउंट है, उसको डिवाइड कर दोगे आप 700 से इंटू 100 कर दोगे तो आपके पास जो नेट वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 33.57%। ये क्या है सॉल्यूट का मास परसेंटेज है। अगर मैं सॉल्वेंट का मास परसेंटेज निकालूं तो ये तो आपको दिमाग में बैठा होना चाहिए कि टोटल 100 होता है, तो 100 में से आप 33.57 माइनस कर दोगे तो आपके पास सॉल्वेंट का भी मास परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये था सॉल्वेंट का मास परसेंटेज, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2.8, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 450 and 700 mmHg रेस्पेक्टिवली एट 350 केल्विन, फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर If total vapor pressure is 600 mmHg and also find the composition of vapor phase. तो इस क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया होगा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें जो गिवन है पहले हम उसकी बात कर ले, पी नॉट ए हमको दिया हुआ है, प्योर लिक्विड का दिया हुआ है ए का 450 mmHg, सेम बी का भी दिया हुआ है पी नॉट बी 700 mmHg, ओके, अब P टोटल भी दिया हुआ है हमको कि जब मिक्स कर रहे हैं तो P टोटल हमारा हो जा रहा है 600 mmHg, कोई बात नहीं, ये सारी चीजें हमें गिवन थी। राउल्ट लॉ से हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं PA, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू प्योर फॉर्म में जो प्रेशर है A का इंटू X है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, सेम B का भी निकाल सकते हैं, तो PV इज इक्वल टू पी नॉट बी, अब यहां पे XB होता तो XB की जगह पे मैं लिख सकता हूं 1 - XA, ठीक है, ये तो समझ में आ रहा होगा। जब मैं P टोटल निकालूंगा तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा PA और PB को, तो चलो PA को ऐड करेंगे तो P नॉट X आएगा, PB को ऐड करेंगे तो P नॉट बी 1 - X आएगा, तो यहां से एक इक्वेशन ये आ जाएगी P नॉट A माइनस P नॉट बी XA प्लस P नॉट बी। अब मैं यहां से XA के मोल फ्रैक्शन निकाल सकता हूं, देखो कैसे, मतलब A का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं ना, P टोटल आपको 600 गिवन है, P नॉट A की वैल्यू 450 है,
पी नॉट बी की वैल्यू 700 है, एक्स से नहीं पता है पी नॉट बी की वैल्यू 700 है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 0.4 और एक्स भी क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.4, तो एक्स भी हो जाएगा 0.6। ठीक है, अब आपके पास मोल फ्रैक्शन आ गया। अब अगर मोल फ्रैक्शन आ गया तो आसानी से पीए और पीवी भी निकाल सकते हो, तो पीए हो जाएगा पी नॉट ए एक्स से, तो ये हो जाएगा 450 इंटू 0.4 इज इक्वल टू 180 mmHg। सेम पीवी भी आपका ऐसे निकल सकता है, तो पीवी हो जाएगा 420 mmHg। अब आपसे पूछा था कि वेपर फेज में कंपोजिशन क्या होगा, यानी मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज निकालना है, तो वेपर फेज में वाई ए यानी ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो ए का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना हो गया 180 डिवाइडेड बाय 420 प्लस 180, 420 180 होता है 600, तो 180 डिवाइडेड बाय 600 वैल्यू आ गई 0.30। अब ये ए के मोल्स हैं इन वेपर फेज, तो बी के मोल कितने होंगे, ओवरऑल मोल फ्रैक्शन का सम हमारा 1 होता है, तो 1 माइनस 0.3 करोगे तो आपके पास बी के मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे 0.7। ठीक है, ओके, तो यही हमारा आंसर आ गया, यही हमारा वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन आ गया।